प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्रभात वंदन। मरकुस की पत्री 14 अध्याय 9 आयत, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि सारे जगत में जहाँ कहीं सुसमाचार प्रचार किया जाएगा, वहाँ उसके इस काम की चर्चा भी इसके स्मरण में की जाएगी। मरकुस की 14 पत्री के 3 से 9 आयत में प्रभु बेथनिया में शिमोन कोड़ी के घर भोजन करने बैठे तो वहाँ एक स्त्री के द्वारा किए गए एक महत्वपूर्ण कार्य का वर्णन किया गया है। उन दिनों एक दिन में काम करने की कमाई एक चांदी का सिक्का होती थी। एक साल की कमाई 300 से भी ज्यादा चांदी के सिक्के। इतने ही मूल्य का तेल लेके प्रभु यीशु मसीह के सिर पे डाला। इस तेल विसर्जन का शिष्यों ने विरोध किया और उनको यह पसंद भी नहीं आया। लेकिन तेल लेके आई हुई स्त्री के बारे में प्रभु ने जो 4 बातें कही, वह 4 बातें बहुत ही प्रशंसामय है। 1, उसको क्यों परेशान करते हो? 2, उसने मेरे लिए अच्छी प्रवृत्ति ही तो की है। 3, उससे जो बन पड़ा उसने किया। 4, उसने जो भी किया उसी से दुनिया इसको पहचानेगी। दूसरों के खिलाफ हमें कोई प्रवृत्ति नहीं करनी है, उसी के साथ दूसरों के लिए अच्छा करना भी है। प्रभु का प्रसाद या उनकी खुशी बड़े काम करने में नहीं बल्कि अच्छे कार्य करने में है। हमसे जितना बन पड़ सकता है वो करने में हमेशा तैयार रहना है। जो हम नहीं कर सकते वो ना करें तो कोई गलत नहीं होगा। हम कर सकते हैं लेकिन फिर भी अगर वो ना करें तो यह पाप कहलाएगा। क्यों किया, इससे ज्यादा किस लिए किया और कैसे किया और उसके साथ ही कहां किया, ये सब बातें प्रभु ध्यान देते हैं। आइए हम प्रार्थना करें। हे हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, इस सुंदर सुबह के लिए तेरा स्तुति और धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर, आपके लिए हमसे जो बन पड़े वो करने में आप हमें मदद और कृपा प्रदान करना। प्रार्थना सुना इसके लिए धन्यवाद, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमेन। मुझ पर हुई है कृपा, बेकार न जाने दो, जिसने मुझे है चुना उसकी ओर मैं बढ़ूं। मुझ पर